जिस हिसाब से राजस्थान में देखा जा रहा है, कोई कह रहा है वसुंधरा सीएम बनेंगे, कोई कह रहा अश्विनी वैष्णव बनेंगे, बालकनाथ का भी नाम आ रहा है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन राजस्थान का सीएम होगा? राजस्थान का सीएम तो हमारा संगठन तय करेगा, जो बड़े लेवल पे हमारे मोदी जी वगैरह बैठे हैं। हम ये चाहते हैं जो भी हो ऐसा हो योगी जी जैसा विचारधारा रखने वाला हो, सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो, और जिस हिसाब से अब राम मंदिर बन रहा है और ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ कई मंदिर तोड़े गए पिछले कांग्रेस राज में, उन मंदिरों का निर्माण हो, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि ऐसी विचारधारा का हो जो सनातन धर्म के प्रति काम करे और अच्छे स्तर पे काम करे, युवाओं का रोजगार वगैरह की इनके सबकी ध्यान रखे। आज मुख्यमंत्री कोई भी दौड़ में हो पर सनातन धर्म हमसे सबसे पहले है। हिंदुस्तान जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि जब से राम मंदिर की चर्चा हुई है अपनी GDP वगैरह सब बढ़ी है। आज भारत के एक झंडे पे इतने विद्यार्थी देश आ जाते हैं, ये आप खुद ने देखा है अभी। नहीं, जिस हिसाब से देखा जाए कांग्रेस काल की बात किया जाए तो मतलब अशोक गहलोत ने इतनी योजनाएं चलाई उसके बावजूद भी वो हार गए कांग्रेस सरकार, तो क्या रीज़न रहा है ऐसा? सर, एक योजना चुनाव के समय लागू करना और एक पहले से काम करने में, दोनों में फ़र्क होता है। एक चुनाव के समय अपन किसी को भी यानी फील्ड में अपन क्या कह देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे काम नहीं होता। आज सरकार में रोड़े दे दी उन्होंने, वो रोड़े अभी तक नहीं बनी है, उन पर कोई काम नहीं हुआ है। हम अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी बोलते हैं भाई साहब सरकार चेंज हो गई, वो काम रुक गए। तो ये चीज़ जनता को पता नहीं है ना, तो जनता को तब पता रहेगा, ये घोषणा कर दी हमने साहब, ये फ़ोन बांट दिए। आज इतने फ़ोन बांट दिए, उनकी जगह और कुछ काम हो सकता था उन पैसों से, शिक्षा को रोज़गार होता है या बच्चों के लिए पढ़ाई की एक स्कूल, अच्छी फ्री स्कूल, अच्छी सुविधा जो अभी चल रही है। आज इन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी, हम ये इसको महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम करें, उनकी व्यवस्था अच्छी सुधर हो सकती थी, टीचर बढ़िया बेहतर हो सकते हैं, विकल्प अच्छे विकल्प हो सकते हैं। आप लोग पार्षद भी हैं और जो वार्ड की अगर देखा जाए तो क्या रहता है कि मतलब जो पहले का कार्यकाल रहा और अब का कार्यकाल रहा, बीजेपी के टाइम का रहा, कांग्रेस के टाइम का रहा, उसमें और इसमें कितना फ़र्क रहा? सर, अभी कांग्रेस का 3 साल कांग्रेस थी और अधिकारियों का सुर अब चेंज होने लगे हैं। जैसे हमारी सरकार बनी है तो अधिकारियों के रुख चेंज होने लगे, उनको काम करने की आदत नहीं थी कांग्रेस सरकार में, अब वो कुर्सी से उठे हैं, तो उस हिसाब से अब वो कुर्सी से उठे हैं हमारे यानी काम करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो अब हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी हमारे नगर निगम का भी सुधार होगा और हम जनता की जो वादे किए थे हमने चुनाव जीतने के, उन पर हम खरा उतरेंगे। क्योंकि पार्षद के चुनाव भी अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अगले साल पार्षद के चुनाव होने हैं और जनता का अभी तक जो आप लोगों ने वादे किए थे क्या वो पूरे हुए? नहीं, अभी कोई वादे पूरे नहीं, कोशिश है, क्योंकि जो कि घोषणाएं करते हैं, पार्षद का कोई पर्सनल कोटा नहीं होता इनका निगम का कोई एक फिक्स बजट नहीं होता, ये चीज़ें जो दिल्ली और बॉम्बे में है नगर निगम जो PWD सब अंडर में आते हैं, हम भी ये कोशिश करते हैं कि आपके राज्यसभा में अगर कोई समझदार नेता वगैरह जो हमारी बात रखें कि जो जो नगर निगम वहाँ लागू नियम एक्ट लागू किया है वो यहाँ पर भी लागू करें, तो पार्षदों की और जनता के बीच का तालमेल अच्छा पड़े। धन्यवाद।